प्रधानमंत्री ने नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के सर्वे से जुड़कर सीधे अपनी राय देने की अपील की। देश भर में परंपरागत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है मकर संक्रांति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए रायगढ़ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। और अखिल भारतीय वन खेल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ को मिला ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी या नमो ऐप के सर्वे से जुड़कर सीधे अपनी राय देने की अपील की है। भाजपा अपने इस सर्वेक्षण में लोगों से सरकार और स्थानीय भाजपा नेताओं के बारे में उनकी राय जानना चाहेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर भाजपा नेताओं से कहा है कि नमो ऐप सर्वे से उम्मीदवारों के चयन में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने नमो ऐप सर्वे में सरकार को रेटिंग भी देने की बात कही है। इस सर्वे हैज बीन लॉन्च ऑन द नमो ऐप। आई वांट योर डायरेक्ट फीडबैक थ्रू द सर्वे ऑन नमो ऐप। Your feedback matters. Your feedback on various issues will help us take important decisions. Will you all fill that survey and also urge others to do so? प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं से कहा है कि ये सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार कर सके। ये सर्वे पार्टी को प्रत्येक लोकसभा सीट पर सही उम्मीदवार उतारने के लिए भी मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली भाजपा की 20 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति ने 2019 के संकल्प पत्र पर काम करने के लिए 15 उपसमिति बनाने का फैसला लिया है। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि इस बैठक में हमने संकल्प पत्र के ढांचे के बारे में चर्चा की है। 15 उपसमितियां गठित करने का फैसला लिया गया है। लोगों से सीधा संवाद करने के लिए इसमें विभिन्न क्षेत्रों के भागीदार शामिल होंगे। छोटी छोटी कमेटीज भी बनेंगी जो कि समाज के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो भागीदार हैं, उनके साथ जाकर वो सीधा संवाद स्थापित करेंगी कि अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हमको करना चाहिए, इस संबंध में उनके सुझाव लेंगे और उसी आधार पर संकल्प पत्र तैयार होगा। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव राम माधव के अलावा अन्य कई प्रमुख लोग शामिल हुए। 20 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति में अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसमें शामिल अन्य प्रमुख लोगों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी हैं। घोषणा पत्र समिति का गठन इसी वर्ष 6 जनवरी को किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापस लेगी। आज बीरगांव नगरपालिका क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटने वालों से निवेशकों के पैसे वापस कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए समाज को भी सामने आना होगा। जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहां अध्ययन दल भेजे जाएंगे, साथ ही समाज के सभी वर्गों से इस संबंध में राय ली जाएगी। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के बीरगांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बीरगांव नगर पालिका क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने और सरकारी कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को तिल लड्डुओं से तौलकर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर सहित भिलाई के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। भिलाई में यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने गौपालन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राउत समाज गौपालन को अपने आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बनाए। छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर 61,80,000 टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है। प्रदेश में धान खरीदी इस महीने की 31 तारीख तक चलेगी। मार्कफेड के अनुसार बीते 1 नवंबर से प्रदेश की 1,133 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 1,195 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। भिलाई में राज्य स्तरीय डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा नस्लों के करीब 300 डॉग्स शामिल हुए, जिनमें लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, पामेरियन, बुलडॉग और पग ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विधायक अरुण वोरा उपस्थित रहे। डॉग शो में बेस्ट पपी का खिताब गोल्डन रिट्रीवर को मिला। जांजगीर में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक साइकिल दुकान से 25 सिलेंडर जब्त किए हैं। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पांडे ने बताया कि साइकिल दुकान में सिलेंडर में विस्फोट होने से आग लग गई थी। घटना के बाद जांच के दौरान सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग का मामला उजागर हुआ। नई दिल्ली में चल रहे पुस्तक मेले में काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। पुस्तक मेले में छत्तीसगढ़ के 3 लेखकों की पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया, जिनमें पुराविद राहुल सिंह की किताब सिंहावलोकन, बस्तर विषय विशेषज्ञ राजीव रंजन की किताब बस्तर अनकही अनजानी कहानियां और पत्रकार केवल कृष्ण लिखित बोगदा और अन्य कहानियां शामिल थीं। राजनांदगांव जिले में प्रतिबंध के बावजूद सब्जी विक्रेताओं द्वारा पॉलीथीन का उपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य अमले ने चिखली सब्जी बाजार की सघन जांच कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया है। नगर निगम आयुक्त अश्विनी दिवांगन ने लोगों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी है। जांजगीर चांपा जिले के हरदी पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच पर शौचालय की राशि में गड़बड़ी करने और घटिया स्तर का शौचालय निर्माण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरपंच द्वारा शौचालय की राशि देने में आनाकानी की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण महिलाओं ने आज कलेक्टर से मुलाकात कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। रायपुर के गांधी उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय फल फूल सब्जी प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। प्रदर्शनी में बस्तर, जशपुर, सरगुजा के किसानों द्वारा उपजाई गई काली मिर्च, कॉफी और कोको के उत्पाद को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। वहीं आयातित फूल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने किया। दंतेवाड़ा में 2 दिवसीय इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें बस्तर संभाग के करीब 250 खिलाड़ी शामिल थे। इस स्पर्धा में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले प्राचार्य, व्यायाम शिक्षक और जूडो प्रशिक्षक को भी सम्मानित किया गया। अब कुछ खबरें विस्तार से। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज देश भर में परंपरागत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये सर्दियों की समाप्ति और फसलों की कटाई के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में लाखों लोगों ने पवित्र स्नान किया। वहीं छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही शिवनाथ, खारून और महानदी सहित विभिन्न नदियों के तट पर पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान सूर्य को जल, तिल और गुड़ अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डुओं के दान का विशेष महत्व माना जाता है। शिवनाथ और खारून नदी के तट पर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। मकर संक्रांति पर आज लोगों ने पतंगबाजी का भी मजा लिया। भिलाई में आयोजित पतंगबाजी महोत्सव में भाजपा सांसद सरोज पांडे भी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति की बधाई दी। सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आज के दिन हम सब इसे नए वर्ष के तौर पर भी मानते हैं और इसके साथ ही साथ अलग अलग, चूंकि हमारे भारत की संस्कृति में हम अलग अलग धर्म और पर्वों को मानते हैं, पतंग का कार्यक्रम भी है और मुझे लगता है कि ये समय की मांग है। पतंग उत्सव पहले आयोजित हुआ करते थे और इस पतंग उत्सव के कार्यक्रम में समय के साथ शायद हम धीरे धीरे इसे भूलने लगे हैं। अपने घरों से बाहर निकलकर, मोबाइल से बाहर निकलकर हम सब एक बार फिर से फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक
मेंटल पीस के लिए भी हम इसकी शुरुआत करें। मुझे लगता है कि ये समय की जरूरत है, समय की मांग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मकर संक्रांति पर प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जनता को लोहड़ी और पोंगल की भी बधाई दी है। इस बीच प्रदेश में पोंगल का त्यौहार भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भिलाई में इस मौके पर श्रद्धालुओं ने एक शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा भगवान अयप्पा मंदिर से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस अयप्पा मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान 41 दिनों का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अपना व्रत संपन्न किया। परंपरा के अनुसार इन श्रद्धालुओं ने मंदिर के 18 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन किए और फिर अपना व्रत खोला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कुंभ मेला अखाड़ों के शाही स्नान के साथ कल से शुरू होगा। कल रात से मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कुंभ मेले को 32,000 हेक्टेयर में बसाया गया है। कुल 10 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास के साथ ही कुंभ क्षेत्र में 250 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण और 22 पंटूल पुलों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा मेले की इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंट्रल तथा 1400 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। 40,000 से अधिक एलईडी लाइट की स्थापना के साथ 1,22,000 शौचालय भक्तों के लिए स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्री किसी भी सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा कुंभ में पहुंच सकते हैं। कुंभ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी ने अलग से 1 किलोवाट का एफएम रेडियो स्टेशन कुंभवाणी स्थापित किया है। इसका प्रसारण 35 किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन सुबह 5:55 से रात 10:05 तक सुना जा सकता है। आकाशवाणी ने पहली बार कुंभवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है। दूरदर्शन कुंभ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरू करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। 24 जनवरी बालिका दिवस के मौके पर नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में रायगढ़ जिले को पुरस्कार दिया जाएगा। कलेक्टर यशवंत कुमार ये सम्मान ग्रहण करेंगे। रायगढ़ जिले को तीसरी बार ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। मंत्रालय द्वारा इस अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रभावी कार्य के लिए रायगढ़ सहित देश के 25 उत्कृष्ट जिलों का चयन किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस को उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण थीम पर मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जन सामान्य में बालिका लिंगानुपात के घटते स्तर जैसे सामाजिक मुद्दे पर जन चेतना बढ़ाना और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों से बेहतरीन काम हो रहा है। बालिका लिंगानुपात बढ़ाने तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर ओवरऑल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। छत्तीसगढ़ 8वीं बार चैंपियन बना है। टूर्नामेंट में 161 मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर रहा। टीम ने 74 गोल्ड, 54 सिल्वर और 33 कांस्य पदक जीतकर 602 पॉइंट हासिल किए। 119 मेडल के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश ने 78 मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। स्पर्धा के समापन समारोह में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों वनों और अन्य वन्य जीवों के साथ साथ जैव विविधता की धरोहर की सुरक्षा कर रहे हैं। खेल गतिविधियों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये उनके विशेष कौशल को बताता है। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि वन विभाग के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करेंगे। कार्यक्रम में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में वन खेल प्रतियोगिता में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।